फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा कुकिंग एंड लाइफस्टाइल में स्वागत है आपका। फ्रेंड्स आज मैं वीडियो अपनी मम्मी के घर से शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो स्टिचिंग के लिए सारे कपड़े दिए थे वो मेरे स्टिच होके आ गए, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से इसको आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, वरना फिर कुछ कपड़े अभी मुझे मैचिंग के लिए भेजने पड़ेंगे इसके चूड़ियाँ वगैरह लाने के लिए, तो फिर सारे कपड़े चले जाएंगे और उसमें से एक दो सूट मेरी भाभी के भी हैं, लहंगा भी है भाभी का तो वो भी चला जाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ किस तरीके से साड़ियों से, पुरानी साड़ियों से जो कि हम पार्टी वेयर साड़ियाँ अपनी यूज़ कर चुके हैं उनको मैंने पहना ही बहुत है और उससे ही मैंने एक दो ड्रेसेस बनवाई हैं, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ताकि उससे आपको भी कुछ हिंट मिले और आप भी अपनी साड़ियों का रियूज़ कर सकें अच्छे से। तो ये जो मैंने आपको ये दिखाया था एक रेड कलर का कपड़ा मैं लाई थी मार्केट से, उसका मैंने लहंगा बनवा लिया है। ये देखिए इस तरीके से इसमें ये लटकन लगवाए हैं, ये इस तरीके से, एक सेकंड ये फंस रहा था, ये है लटकन, लटकन भी काफ़ी कलरफुल से लटकन लगा दिए हैं, ये देखिए अच्छे लग रहे हैं ये मल्टी कलर के। और इस पर मैं गोल्डन कलर का ब्लाउज लूँगी और बनारसी इस पर दुपट्टा लूँगी। तो ये एक लहंगा मेरा तैयार हो गया और ये लहंगा तो मेरा इतना खूबसूरत मुझे लग रहा है कि मैं बार बार इसको देख रही हूँ। इस साड़ी को मैंने बहुत पहना है और ये मैंने अपनी नंद की शादी में ली थी और उसके बाद देखिए इतना सुंदर इसका लहंगा बन के रेडी हुआ है। ये देखिए, ये देखा आप लोगों ने, इस साड़ी की मैं पिक लगा दूंगी। ये साड़ी भी मैंने बहुत पहनी, हाफ हाफ साड़ी जो चली थी वो है, हाफ नेट था इसमें और हाफ इसमें दूसरा कपड़ा था उसी का मैंने ये सिलवाया लहंगा। और ये जो कैरियाँ हैं ये कैरियाँ उसमें कट रही थी लहंगे में तो ये निकाल के फिर से लगवाई हैं कैरियाँ ये मैंने, तो देखिए कितना खूबसूरत बिल्कुल पार्टी वेयर लहंगा तैयार हो गया। और ये नीचे लैस लगवाई है और इसमें सॉटन का अस्तर, क्योंकि ये नेट है तो इस पर सॉटन का अस्तर लगवा लिया है और ये इस पर भी सेम लटकन लगा हुआ है। ये देखिए मल्टी कलर का, तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये। तो एक तो ये मेरा लहंगा बन के तैयार हो गया है और ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसी का जो हाफ था वो ग्रीन कलर था, मैं साड़ी की पिक लगाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, वो हाफ ग्रीन की कुर्ती बनवा ली है। ये देखिए ये नीचे बॉर्डर आ गया कुर्ती में और हाफ उसकी ये कुर्ती बन गई है, हाफ जो उसमें हाफ कपड़ा था उसकी ये कुर्ती बन के रेडी हो गई है। तो यानी कि दो ड्रेसेस तैयार हो गई एक साड़ी से, तो कितना अच्छा आइडिया था। और ये एक आपको कपड़ा मैंने दिखाया था, ये भी मैं रेड वाले के साथ ही लाई थी, तो इसका भी मैंने ये कुर्ती बनवा ली है, ये भी कुर्ती बन के रेडी हो गई है और ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि शादी में तो कई फंक्शन होते हैं तो पहनने के काम आ जाएगा ये, तो ये मैंने बनवा लिया है। और नेक्स्ट है ये एक साड़ी का स्कर्ट बनवाया है, ये एक साड़ी का स्कर्ट है और ये मेरी भाभी का स्कर्ट है, ये भी साड़ी है हाफ हाफ वाली साड़ी थी तो उसका एक ये स्कर्ट बनवाया है, उस पर ये लटकन भी इस तरीके से लगवा लिया है। और जो ये सिल्क हाफ पहनने में आता था और ये था उसके साथ हाफ पल्लू था ये, तो इस पल्लू की कुर्ती बनवा ली है। ये देखिए ये पल्लू में आता था पूरा ये, तो उसका ये बॉर्डर लगवा लिया यहाँ पर और कितनी अच्छी ये कुर्ती बन के तैयार हो गई। ये स्लीव्स में भी इस तरीके से डिज़ाइन आ गया है पल्लू का और ये पूरी कुर्ती बन के तैयार हो गई, तो कितनी अच्छी ड्रेस बन के रेडी हो गई है। बस इस पर एक सुंदर सा एक दुपट्टा बस लेना है बस। और हाँ ये जो इस लहंगे के साथ मतलब इस साड़ी के साथ ब्लाउज़ था, तो ब्लाउज़ तो साड़ी के थोड़े से छोटे होते हैं लेकिन लहंगे पे थोड़े से लॉन्ग अच्छे लगते हैं, तो ये ब्लाउज मैंने बढ़वा लिया है इस पर। ये देखिए नीचे ये दूसरा एक कपड़ा लगवा के और यहाँ पर ये लेस लगवा ली है, तो ये ब्लाउज़ थोड़ा सा लंबा हो गया है तो लहंगे पर थोड़े से लंबे ब्लाउज ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए ये ब्लाउज़ भी मेरा रेडी हो गया, इसमें तो ऑलरेडी पहले से ही मैंने लटकन लगा रखे थे तो ये लगे हुए हैं, तो मुझे ब्लाउज नहीं लेना है इस पर, सिर्फ और सिर्फ एक दुपट्टा लूँगी मैं नेट का, जब लूँगी तो और पहनूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि इतना अच्छा ये बन के रेडी हुआ है। अच्छा लगता है ना जब सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी। और एक ये देखिए कितना खूबसूरत लहंगा, ये गोल्डन कलर की साड़ी थी पूरी और ये सिर्फ इसमें ये इस तरीके से ये बॉर्डर था और ये हम लोगों ने अलग से ऐड करवा लिया है। जो आवाज़ आ रही है प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरे यहाँ ऊपर मम्मी के यहाँ काम चल रहा है, तो ये रेड इसलिए लगवा ली क्योंकि गोल्डन पे रेड कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है और हम लोग इस पर रेड दुपट्टा लेने की सोचे। ये मेरी भाभी का लहंगा है तो मैंने मतलब वो रेड दुपट्टा इस पर लेंगी,
हम सब लोगों ने यही सोचा कि गोल्डन पे रेड अच्छा लगेगा, तो इसलिए रेड इस पर कुछ तो लगवा ले, वरना फिर रेड दुपट्टा खाली ले लेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, तो ये लगवा लिया है। और ये देखिए ये कितना खूबसूरत लहंगा बन के रेडी हुआ है, ये देखिए। और ये गोल्डन कलर के ये लगवा लिए हैं इस पर ये लटकन, तो ये कितना खूबसूरत लहंगा। और इसका ब्लाउज ये है, तो ब्लाउज में भी ये लगवा दी है रेड कलर का, ताकि दुपट्टा रेड लेंगे तो उससे थोड़ा मैचिंग रहे, अच्छा लगेगा। बाकी ये है साड़ी का ही ब्लाउज है, इसको लंबा नहीं कराया है क्योंकि इसका कपड़ा थोड़ा सा मतलब गोल्डन कलर का कुछ इस पर मिल नहीं पा रहा था, इसमें नीचे बॉर्डर भी नहीं था तो ये लंबा नहीं हो पाया, मेरे में बॉर्डर था तो वही बॉर्डर नीचे लगा दिया तो लंबा हो गया है। उसके बाद ये देखिए ये कुर्ती, ये कुर्ती तो मैंने ये कपड़ा आपको दिखाया था कि बहुत रीज़नेबल रेट में मुझे ये कपड़ा मिल गया है, तो उसकी हम लोगों ने दो कुर्तियाँ मतलब मैंने और मेरी भाभी दोनों ने लिया था सेम, तो ये हम दोनों ने कुर्तियाँ बनवाई हैं और ये हम लोग सोच रहे हैं हल्दी में पहनने के लिए। बताइएगा कैसा प्लान है हम लोगों का, दोनों सेम पहनेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी ये कुर्ती बन के रेडी हो गई है, ये भाभी की है और ये मेरी कुर्ती दोनों, और ये किसी भी लेगिंग पे पहन लेंगे, रेड लेगिंग, रेड ग्रीन भी है, सारे कलर हैं भी लेगिंग के, या फिर आप लोग बताइएगा इस पे येलो कैसी लगेगी, येलो ले लें, येलो लेगिंग नहीं है, येलो तो लेनी पड़ेगी, तो बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो बस यही सारी ड्रेसेस थी, हम लोगों की शादी की तैयारी चल रही है, और तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपनी पुरानी साड़ियों को का भी हम लोग रीयूज़ करें, तो बस यही हम लोगों ने बनवाया है। और बताइएगा आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, ये मेरा आइडिया कैसा लगा, और क्या किसके साथ अच्छा लगेगा ये भी आप लोग थोड़ा सजेस्ट करिएगा कि किस चीज़ के साथ क्या चीज़ हम लोग लें। तो बस ये मेरा वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ कि बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, तो थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है मेरी आवाज़ धीमी सुनाई पड़े, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा उसको। तो बस मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को कैसी लगी, और क्या मतलब आप लोग भी पुरानी साड़ियों से इस तरीके से अच्छे अच्छे से, मतलब ये मर्जेंटा वाला तो सच में मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो बस आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।